डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हमने सोचा कि कृष्ण जी का जन्मदिन है, कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हमने सोचा कि क्यों ना केक बनाया जाए। सबके बर्थडे में केक कटता है, तो नंदलाला के बर्थडे में केक क्यों ना कटे। तो वही केक की रेसिपी हम शेयर करने चल रहे हैं। तो आइए मिलकर बनाते हैं केक और देखते हैं क्या क्या लगता है केक बनाने में। तो सबसे पहले हम एक बाउल में डालेंगे हाफ कप तेल रिफाइंड, और उसके बाद एक कप पिसी हुई चीनी। अब इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। पहले अच्छे से इसको हमें मिक्स करना है। अगर तेल कम लगे तो थोड़ा सा तेल हमें इसमें और डालना पड़ेगा। तो एक चम्मच भर के, मतलब चार बड़े चम्मच, चार टेबल स्पून, ये मतलब कि हमको आठ टेबल स्पून इसमें तेल डालना पड़ा। अभी आप घोल देख के ही समझ जाएंगे कि कैसे कैसा घोल हमको तैयार करना है। अच्छे से इसको हमें मिक्स करना है। आठ टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल और ये दस टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे दूध। ये ना तो गर्म है और ना ही बहुत ठंडा है। अब अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे और यहीं पर हम इसमें वनीला एसेंस भी डाल देंगे, क्योंकि ये भी लिक्विड है। लिक्विड फॉर्म में जितना है उसको हम करीब 8 से 10 बूंद हम इसमें डाल देंगे वनीला एसेंस। आपको चॉकलेट एसेंस पसंद हो, चॉकलेट एसेंस डालिए। आपको जो फ्लेवर पसंद है आप उसे डाल सकते हैं इसमें। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए हटा देंगे और हम केक टिन तैयार कर लेते हैं केक बनाने के लिए। तो इसमें हम कोई सा भी तेल, मक्खन चारों तरफ से अच्छे से लगा देंगे ताकि हमारा केक जो है चिपके ना। इस तरह से हम, अगर आप बटर पेपर लगाते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर बटर पेपर नहीं लगा रहे हैं, बटर पेपर नहीं है, तो इसको हम इस तरह से, तो इस तरह से हमने इसमें बटर वो रिफाइंड लगा लिया है। थोड़ा सा ऐसे हम इसमें छिड़क देंगे मैदा ताकि चिपकने की कोई गुंजाइश ना रहे। अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर दीजिए तो आपका केक चिपकेगा नहीं। अब हमारा टिन तैयार है। अब अपने सूखे मटेरियल को इकट्ठा करेंगे, तो उसमें हम एक छन्नी से छान लेंगे पहले। कप मैदा मैंने छान लिया है, आधा कप मैदा हम और लेंगे। अब एक टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, आधा टेबल स्पून बेकिंग सोडा, थोड़ा सा नमक। अब इन सबको हम अच्छे से छान लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये सूखे मटेरियल को हम अपने बैटर, जो गीला बैटर बनाया ना अभी, उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब इस मिश्रण में हम इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि गुठलियाँ ना पड़े। अभी बाकी का मैदा मिक्स भी हम इसमें डाल देंगे। अब ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा दूध हम और ऐड करेंगे।
से दूध की हमें जरूरत पड़ेगी। मलाई आ गई थी दूध में, इसलिए कप हम मेजरमेंट कप हमने रख दिया उठा के। अब इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। केक बैटर हमेशा एक ही साइड में फेंटना चाहिए। अभी हमारा बैटर जो है तैयार है, अब इसको हम केक टिन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो हम लेंगे केक टिन और इसको से अच्छे से दूसरी तरफ हमने गैस पे रख दिया है भगोना, एक प्रीहीट होने के लिए। उसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, भगोना रख दिया है सिंपल। थोड़ा बारीक तले का होना चाहिए और इस तरह से पहले निकालते हैं फिर चल के बाहर। हम केक बैटर को ऐसे थोड़ा सा ठोक देंगे, टैप टैप कर देंगे। अब इसको हम जो ये भगोना रखा है हमने ऊपर, बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, एकदम तंदूर हो गया है और बहुत ही सावधानी के साथ इसको हम एक लेंगे स्टैंड रिंग। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एक कटोरी को उल्टा करके रख सकते हैं और उसके बाद ये केक के बर्तन को इस तरह से बहुत सावधानी से, ज़रा भी टच हो गया ना, क्योंकि मेरा टच हो गया बहुत ज़्यादा जल जाएगा। और इसको हम ढक देंगे 30 से 32 मिनट के बाद इसको हम चेक करेंगे, उसके बाद देखते हैं। और हाँ, इसके ऊपर एक हम भारी बर्तन रख देंगे, इसके ऊपर हम एक कुकर रख देंगे, ये भारी है। और 30-32 मिनट बाद इसको मीडियम हाई फ्लेम पर हम पकाएंगे। गैस देख लीजिए बिल्कुल ही तेज़ नहीं है। अब इसको हम पकने देते हैं। अब 35 मिनट लगभग हो गए हैं। अब अपने केक को चेक करते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन है इसकी। केक बनकर तैयार है। अब हम एक टूथपिक लेंगे। वाव, अब हमारा केक एकदम बन गया है। कहीं से भी देखिए टूथपिक बिल्कुल नहीं लग रहा है। अब गैस को हम ऑफ कर देंगे और इसको हम इसी पर ठंडा होने देंगे। अब हमारा ये कंटेनर एकदम ठंडा हो गया है। अब इसको हम, वैसे तो इसने हर तरफ से छोड़ दिया है, फिर भी ऐसे ऐसे करके हम इसको नाइफ लेना पड़ेगा क्या। अभी हम चाकू को जहाँ जहाँ पर आपको लगे कि चिपक रहा है वहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से छुड़ा दीजिए। इधर तो एकदम से छूट गया है। अब इसको हम पलटेंगे इस तरह से। जय नंदलाल, आपका केक अच्छे से तैयार हो, बहुत ही ब्यूटीफुल केक तैयार हुआ है कान्हा का। ये देखिए बहुत सुंदर केक बनके तैयार है। अब इसको हम डेकोर करेंगे। इसके लिए हम इसको दो लेयर में कट करेंगे। अब हमने केक को टर्न टेबल के ऊपर रख लिया है। ये टर्न टेबल है मेरी। अब हम बीच से केक को थोड़ा थोड़ा इस तरह से संभालते हुए कट करेंगे।
खा नहीं सकते। अब हम लेंगे एक धागा और इसको जहाँ से हमने कट किया था वहीं से लगाएंगे इस तरह से। ऐसे हम इसको खींच देंगे। अब हमारा केक दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। ये देखिए बहुत ही आसान है इसको कट करना। हमने इसको कट कर दिया है लेकिन अभी ऐसे ही रख दे रहे हैं फ्रिज में थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि थोड़ा गर्म था, हमने कहा कट करके दिखा दें आपको। तो इस तरह से केक को आप बहुत ही इजीली कट कर सकते हैं। चाकू से थोड़ा थोड़ा पहले निशान लगा लीजिए किनारे किनारे, बस उसी निशान पर पतला वाला धागा लगा के और उसको कैची की तरह ट्विस्ट करके खींच दीजिए, केक कट जाएगा आपका। अब इसको हम रख देते हैं, उसके बाद इसको हम डेकोर करेंगे। अब हम केक को ऐसे अलग करेंगे और इसको हम चीनी और 2 चम्मच चीनी और पानी मिला के हमने इसका मिश्रण बनाया है। इस तरह से केक को मॉइस्चराइज करेंगे अच्छे से, चारों तरफ इसमें शुगर सिरप को लगा देंगे, हर कोने में अच्छे से लग जाना चाहिए, तभी आपका केक जो है बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। अब इसके ऊपर हम व्हिपिंग क्रीम मैंने जो बनाई थी इसको हम स्प्रेड करेंगे अच्छे से। अब इसको हम फैलाएंगे, खूब अच्छी तरह से फैला देंगे। से लगाने के बाद हम इसको स्प्रेड करेंगे चाकू से, या आपके पास केक स्प्रेड करने वाला पैलेट आता है, मेरे पास नहीं है, इस तरह से प्लास्टिक का है। हम इससे इसको अच्छे से पहले एक बार फैला देंगे। अभी एक बार और हम इसके ऊपर लगाएंगे क्रीम। अभी हमने सेकेंड कोट भी लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम ये दूसरा वाला टुकड़ा भी रखेंगे, लेकिन पहले इसके ऊपर हम इसको शुगर सिरप से अच्छी तरह से डिप कर देंगे इस तरह से। इस तरह से हमने केक को गोलाकार में काट लिया है और इतना ये जो केक है इसको हमने बाहर निकाल लिया, इसको भी हम यूज़ करेंगे ऊपर। तो सबसे पहले तो इसके ऊपर भी हम शुगर सिरप को ऐड करेंगे। इस तरह से
से अब इसके ऊपर हम कुछ आकार देने जा रहे हैं, तो देखते हैं अभी। सबसे पहले तो हम इसमें ये व्हिपिंग क्रीम जो मैंने बैग में रखी है, पाइपिंग बैग में, इसको इस पर स्प्रेड कर देंगे। अब इसको अच्छे से हम इस पर फैला देंगे। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारा जन्माष्टमी स्पेशल केक। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी, खूब खुश रहिए। बाय बाय।